दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद नदीम बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं टेम्बो का TA2 प्रो मोबाइल। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे, जिसके अंदर IC है आपकी AC9832। तो दोस्तों इसके बारे में टोटली जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि पूरा ये टॉपिक आपके समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल पर अगर नया है आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने टूल ओपन कर लिया, SMT के नाम से टूल आता है। ठीक है, इसका यूजर जो है वो एडमिन है और पासवर्ड आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ सकते हैं। इस टूल का और इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये टेम्बो का जो है किसी टूल या किसी भी डोंगल पे सपोर्ट नहीं है, तो इसके लिए हमें FRP अगर ख़त्म करना हो तो इस मोबाइल को फुल फ्लैश करना होता, तो फुल फ्लैश भी इसका इजी नहीं होता, इसलिए आपके सामने ये वीडियो लेकर आया मैं। तो सबसे पहले हमने इस टूल के अंदर फाइल को ऐड किया है, अभी आपने देखा ही होगा किस तरीके से मैंने ऐड किया। अभी ये थोड़ा टाइम ले लेता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जब तक टूल ऐड हो रहा है, इसमें फाइल ऐड कर रहा है इस टूल, ये टूल जो है तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये जो मॉडल है, ये चाइनीज मॉडल आते हैं, इनकी FRP में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टूल ओपन हो गया, इसका इंटरफेस इस तरीके से है। तो सबसे पहले ये आगे हमारा स्टार्ट है, स्टॉप है और स्कैन पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पोर्ट स्कैन करने के लिए क्या होगा, हमने ये नीचे लिख के आ रहा रीसेट एंड स्कैन। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल पहले हम चेक कर लेते हैं लगा के, थोड़ा समय लग रहा है उस चीज़ के लिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये मैं किसी दूसरे बंदे का मोबाइल कर रहा हूँ जो TV पे कनेक्टेड है। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस का काम चलता रहता है मेरा, तो किसी भी बंदे को या किसी भी मेरे भाई को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकता है या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, मैं इसी तरीके से TeamViewer पे लोगों की सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उसे रिकनेक्ट करके वैल्यूम डाउन ऑफ कंडीशन में मोबाइल होना चाहिए, और वैल्यूम डाउन प्रेस करके USB उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो ये पोर्ट हमारी आ जाएगी। इसे आप पहले हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि डिवाइस मैनेजर हमें ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं। तो डिवाइस मैनेजर के लिए आपको पता ही है किस तरीके से कहाँ से डिवाइस मैनेजर आता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये दोस्तों हमने डिवाइस मैनेजर ओपन किया है इसका, यहाँ से हम पोर्ट चेक करेंगे। वैसे पोर्ट टूल में भी शो हो जाती है लेकिन बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको शो करा रहा हूँ। दोस्तों मेरी और भी काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियो हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए, और उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे और मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, सभी मेरे अकाउंट हैं, किसी पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पोर्ट को स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने स्कैन किया, चला गया, दोबारा करते हैं। दोस्तों ये हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पोर्ट का आपको मैंने दिखाई दिया था, स्कैन करके वहाँ से हमें ऐड करना होता है पोर्ट को, तो देखते रहिए।
सब कुछ अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। यही हमारा तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल को टूल ओपन करने के बाद पोर्ट को स्कैन करना है, फिर उस पोर्ट को सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है फिर हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद बोलिए माइनस प्रेस करके जब हम यूएसबी लगाएंगे तो फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकता है। तो दोस्तों सारा कुछ इसी तरीके से आपके सामने पूरा प्रोसेस मैंने करके दिखाया है। तो दोस्तों मेरे पास हर तरह की हेल्प मिलती है, यहाँ तक कि डोंगल वगैरह का किसी का अगर एक्टिवेशन की कोई प्रॉब्लम है तो वही मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, कोई बॉक्स नहीं चल रहा है या किसी का एक्टिवेशन एक्सपायर हो गया, तो सारा कुछ सर्विस हमारे पास अवेलेबल रहती है। और उसके बाद अगर कोई भी ऑनलाइन से रिलेटेड किसी का कोई वर्क है तो वो भी हम करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पे लाता रहता हूँ। तो बस आप लोगों का जैसे अब तक प्यार मिलता आया है, मैं आगे के लिए भी यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सारा कुछ समझने के लिए पूरा वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों नए नए टॉपिक मेरे आते रहते हैं, आप लोग अगर मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ऐसी लगी हो जिससे कि आपको लग रहा है कि मुझे कुछ फ़ायदा मिला है, कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों से मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।